बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और मैं लेकर आया हूं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई हिंदी पत्रकारिता पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक पत्रकारिता और अपेक्षाएं। पिछले अंक में हमने चर्चा की वेब पत्रकारिता और भविष्य की संकल्पना की और आज हम चर्चा करेंगे आरंभ है मोबाइल पत्रकारिता का। हर कदम पर परिवर्तन, शाश्वत और सटीकता ही पत्रकारिता की प्रामाणिकता तय करती है। इसी दौर में पत्रकारिता के नए तत्व मोबाइल पत्रकारिता का आगाज हो चुका है। मोबाइल पत्रकारिता के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक मीडिया मंचों पर कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया है। जहां प्रिंट मीडिया एक दिन बाद तो न्यूज चैनल कुछ घंटे बाद घटित घटना का ब्यौरा देते हैं, वहीं मोबाइल पत्रिका घटना के कुछ मिनटों में जनता को बाखबर कर देती है। पत्रकारिता हर गुजरते दिन के साथ डिजिटल दिशा में बढ़ती जा रही है। इस परिवर्तन काल का मतलब है कि पत्रकारों को रेडियो, टीवी और ऑनलाइन उपभोग के लिए मोबाइल पर वीडियो, अच्छे चित्रों का चयन या उपभोक्ताओं की ओर से मिलने वाली सामग्री की जांच के विस्तृत संसार में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं का विकास करना होता है। आज के दौर में एक पत्रकार के लिए स्मार्टफोन विलासिता नहीं वरन एक जरूरत है, क्योंकि मोबाइल पत्रकारिता की दिशा में बढ़ता पाटा की यूजर्स अब विजिटर्स में बदलता जा रहा है। मोबाइल पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार की आवश्यकता है एक स्मार्टफोन, हेडफोन, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कुछ जरूरी मोबाइल एप्लीकेशन। डिजिटल युग में इन सामग्रियों के माध्यम से हर पत्रकार अपना एक अलग पाठक या विजिटर वर्ग बना सकता है। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक पत्रकार की रिपोर्टिंग किट में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय ब्रॉडकास्टर्स, समाचार पत्रों की एप्लीकेशंस, फोटो एडिटिंग के लिए पिकआर्ट जैसी एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग के लिए पावर डायरेक्टर, विटी 60 जैसी एप्लीकेशन अनिवार्यतः मोबाइल में होनी चाहिए। इसके अलावा एक वॉइस रिकॉर्डर भी होना चाहिए जिसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तमाम सारे उपकरणों के साथ साथ आपको इन एप्लीकेशंस का उपयोग करना बखूबी आना चाहिए। निजी यूट्यूब चैनल बनाकर भी आप अपने समाचारों को तरजीह दिलवा सकते हैं, बशर्ते चैनल के नाम से आपका पोर्टल बना हो, क्योंकि ये आपने एक चैनल बनाया और वो प्रसिद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में यदि आपका उसी नाम से पोर्टल नहीं होगा तो कोई और भी उसका लाभ उठा सकता है। मोबाइल पत्रकारिता का एक अंग है फेसबुक, यूट्यूब लाइव। मोबाइल पत्रकारिता करने वाले शख्स को इन सोशल मीडिया के लाइव में दक्ष होना चाहिए, जिसे समय आने पर उपयोग करके अपने दर्शकों के बीच गहरी पैठ बनाई जा सकती है। इन्हीं सभी उपकरणों, एप्लीकेशंस के बेहतर संयोजन, खबर पर पकड़ और सटीकता के साथ एक पत्रकार अपने आप को बतौर मोबाइल पत्रकार स्थापित भी कर सकता है और आय के बेहतरीन विकल्पों के साथ प्रगति भी कर सकता है। भारत में पत्रकारिता अपने प्रारंभिक काल से ही पाश्चात्य से प्रभावित रही है। यूरोप में पत्रकारिता का उदय महज हास्य विनोद और जिंदगी की आपाधापी में उलझी पीढ़ी के लिए विनोद पैदा करने के उद्देश्य से हुआ था, परंतु भारत में यही पत्रकारिता अपने सर्वोच्च पर आकर राष्ट्र की आजादी के आंदोलन का स्वर बन गई। इसी तरह बीती एक शताब्दी में भारतीय पत्रकारिता ने अपने कई चरण पैदा करके एक नयापन स्थापित किया है। हमारा पाश्चात्य से प्रभावित होना और पाश्चात्य का हमसे एक तरह के सिक्के के दो पहलुओं के समान चलने वाला दौर है और इसी दौर में वर्तमान पत्रकारिता में एक चलन आया है जो पाश्चात्य से प्रभावित होते हुए भारत में अपने कदम स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। वो कदम है मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म या मोबाइल पत्रकारिता। सुनने में अटपटा पर उतना ही कारगर और बहुतायात में अपनाया जाने वाला परिवर्तन है ये मोजो, जिसमें दूरभाष यंत्र के माध्यम से घटना को छोटे समूह में बात करके उसके चित्र, वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री आदि के माध्यम से मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके पत्रकारिता करने के एक तरीके को मोबाइल पत्रकारिता का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिक अपनी जागरूकता और खबर पर नजर रखते हुए जनता को बाखबर कर रहे हैं। मोबाइल पत्रकार आमतौर पर मल्टीमीडिया कहानियों को पैदा करने के लिए अकेले काम करते हैं, जो परंपरागत और गैर परंपरागत दर्शकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट मीडिया का उपयोग करते हैं। मोबाइल पत्रकारिता का वर्तमान यह रूप संपूर्ण विश्व में मोजोज के रूप में भी जाना जाता है। इन नागरिक पत्रकारों ने स्मार्ट मोबाइल और टैबलेट जैसे हल्के उपकरणों का उपयोग करके लाइव प्रसारण, फोटो मल्टीमीडिया, ऑडियो रिपोर्ट, टीवी शैली समाचार पैकेज, सोशल वीडियो, वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण करके भी अपनी खबरों का प्रसारण करना आरंभ कर दिया है।
लंदन में रहने वाले यूसुफ उमर, जो हैशटैग आर स्टोरीज के प्रमुख और CNN के वरिष्ठ सोशल रिपोर्टर भी हैं, जो वर्तमान में विश्व भर में यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल पत्रकारिता सिखा भी रहे हैं। उनकी माने तो विश्व में पत्रकारिता की दिशा में आ रहा यह क्रांतिकारी परिवर्तन है। इस परिवर्तन से जनता खुद पत्रकार हो जाएगी। उनकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होने पर जनता किसी पर दबाव नहीं बना सकती। वीडियो पत्रकारिता भी मोबाइल पत्रकारिता का हिस्सा ही है, जो कि आय का साधन भी बनता जा रहा है। इसी के माध्यम से पत्रकारों को भी अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। पत्रकार को मोबाइल पत्रकारिता करने के लिए मोबाइल से लिए जाने वाले चित्र और वीडियो की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। उस कहानी की या घटना की गहरी समझ और उसे अपने मोबाइल से कैद करने के तमाम तरीकों पर आपका न्यूज सेंस प्रभावशाली कदम होगा। इसी तरह पत्रकारिता की दिशा में आया ये मोजो भारत में पत्रकारिता के भविष्य को तय करेगा, जो स्थापित पत्रकारों को इस दिशा में सक्रिय और सतर्क रहकर सामयिक बनाना होगा। और अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र का मानद विपक्ष निभाए जिम्मेदारी। भारत के लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। प्रत्येक स्तंभ में चुने हुए लोग होते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक या न्यायमूर्ति, परंतु सबसे अहम स्तंभ पत्रकारिता का कर्तव्य ही सत्ता को भटकाव से बचाकर जनमत के सवालों को सरकार तक पहुंचाना है। इसलिए पत्रकारिता को मानद विपक्ष कहा गया है। आजादी के पहले पत्रकारिता ने भारत को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माखनलाल चतुर्वेदी, बाबू विष्णुराव पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे कर्म धर्मा पत्रकारों के संगठित नेतृत्व और लेखन कुशलता के चलते इस राष्ट्र के क्रांति समर में जोश और उत्सव धर्मिता का सूत्रपात हुआ था। जनमानस में अग्नि का संचार हुआ और जनता ने आक्रांतित स्वर में अंग्रेजों के खिलाफ दबंगता से उतरकर भारत को आजाद करवाया। जिस पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास रहा हो, बेहतरीन कालखंड रहा हो, वो आज क्यों भयाक्रांत है? राजनीति में आगे बढ़ती दमनकारी शक्तियों के कारण जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तो जनता के हाल बेहाल हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र का चौथा खंभा खामोश है। ये तो समझ से परे है। पत्रकार सदा से ही मानद विपक्ष की भूमिका में रहा है, जिसका काम ही है सवाल करना, जनता के पक्ष को लोकतंत्र के सेवकों के सामने रखना, उनके जवाब प्राप्त कर जनमत को आश्वस्त करना, जनता के मुद्दों की पैरवी करना, लोक सेवकों की मनमानी से जनमानस को बचाना आदि। किंतु विगत कुछ समय से लोकतंत्र का मानद विपक्ष भयभीत नजर आ रहा है। इससे जनता भी भयभीत है, जिसके कारण से पत्रकारिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिकने या खरीदे जाने के आरोप लगातार लगने लगे हैं। आखिर क्या इससे हम लोग पत्रकारिता में व्याप्त शुचिता को बरकरार रख पाएंगे? लोकतंत्र की मर्यादाओं को दांव पर लगाकर कौन सा स्वर्णिम भारत बनेगा? इसकी कल्पना मात्र से ही हृदय सिहर जाता है। जिस तरह टीवी चैनलों, अखबारों को विज्ञापन से दबा हुआ देखते हैं, तो कल के हालातों पर रुआंसी आती है। कल कौन जनता की बात करेगा? अखबारों से जनता के धरने प्रदर्शन गायब हैं, जनता के जुड़े मुद्दे गायब हैं, जनता का आक्रोश गायब है और इसकी जगह दिखाया जा रहा है सत्ता के विज्ञापन। खबरें भी केवल वही हैं जिनमें सत्ता का पक्ष मजबूती से नजर आता हो। विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने भोपाल में मीडिया वार्ता आयोजित की। एक पत्रकार ने कमलनाथ से चुनाव खर्च को लेकर सवाल किया। प्रत्युत्तर में कमलनाथ ने भी एक सवाल कर दिया कि क्या कार लेने वाले संपादक जनता के आक्रोश को प्रकाशित कर भी पाएंगे? ये आरोप सत्य ही तो है, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा है कि सत्ताधारी दल से कुछ एक संपादकों को कार बांटी गई है। इसमें कितनी सत्यता है, ये तो भोपाल का मीडिया जाने, पर भरी सभा में आरोप तो पत्रकारों पर लगा है। आखिर किस दिशा में जा रहा है लोकतंत्र का मानद विपक्ष, ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पत्रकारों को जागना होगा, जमीर के एवज में किए जा रहे सौदों से खुद को भी बचाना होगा और पत्रकारिता को भी, वरना भविष्य में हमारी पत्रकारिता भी इतिहास बनकर रह जाएगी और तब हाथ मलने के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ ही विदा लेने का वक्त आ गया है और अगले अंक में हम चर्चा करेंगे सवाल पूछना ही है पत्रकारों का नैतिक कर्तव्य। मिलेंगे अगले अंक में।